खास उम्मीदवार हैं। इस वक्त हम बांका के फतेहपुर पोलिंग बूथ पर हैं और बेहद उत्साहवर्धक जो तस्वीर है उससे आपको रूबरू करा रहे हैं। विकलांग हैं, सुबह सुबह पहुंचे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने। लंबी कतार आज सुबह से ही, और जिस तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जाहिर तौर पर मतदाता खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और इसी बाबत सुबह से ही लंबी कतार यहां पर देखने को मिल रही है वोटर्स की। उत्साहवर्धक है चुनाव, ये काफी त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है इस बार चुनाव में, क्योंकि पुतुल देवी भी खड़ी हो गई हैं निर्दलीय रूप में। बहुत दिलचस्प मुकाबला इस बार होने वाला है। आपके लिए मुद्दे क्या हैं, जिन मुद्दों पर आप वोट डाल रहे हैं, क्या मुद्दे होंगे, क्या जहन में क्या है जब वोट डाल रहे हैं? योग्य एवं कर्मठ नेता का चुनाव एवं कर्मठ। एक चीज मैं देख रहा हूं कि यहां पर बांका की जो तस्वीर है, इतनी नदियां हैं, सबसे बालू हट गया है, खनन माफिया जबरदस्त तरीके से, उससे बहुत प्रभाव पड़ा है, जल स्तर काफी नीचे चला गया है। जी हाँ, ये चुनावी मुद्दा है या फिर राफेल मुद्दा है, डिमोनेटाइजेशन है, गब्बर सिंह टैक्स है, चौकीदार चोर है, ये मुद्दे हैं आपके लिए? सब ठीक है, ऑल राइट। आपसे समझना चाह रहे हैं कि आपके लिए क्या है मुद्दे? मुद्दा तो पहले सबसे बड़ी बात है कि देश की स्थिति, जो बागडोर संवारे, जो उसके काबिल हो उसी को हम लोग सुनेंगे, जो उसके काबिल हो, जो मजबूत सरकार चाहिए, सरकार बने। हाँ, महिलाएं भी हैं, ये भी आई हैं सुबह सुबह तड़के। बहन, आप वोट डालने लाइन में खड़ी हैं, आपके लिए मुद्दे क्या हैं? जात पात पे वोट डालेंगे या फिर मन में कुछ और है? नहीं, मतलब मुद्दा डालना है, गरीब महिला भैया दीदी को सब आगे बढ़ाना है, समाज आगे बढ़े, ये एक मुद्दा है आपके लिए। मुकाबला तो बहुत कड़ा है यहाँ पर, तीन तीन कैंडिडेट बहुत जबरदस्त है। जी हाँ, सही से चले, और हाँ, बच्चे लड़कियाँ लड़के को पढ़े लिखे, ठीक है। बेहद उत्साहवर्धक तस्वीर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। लंबी कतार यहाँ पर लोगों की, सुबह से यहाँ पर लाइन में खड़े हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। आपसे समझना चाह रहे हैं, आपके लिए मुद्दे क्या हैं? मुद्दे तो 70 साल से मुद्दा था, अभी 5 साल में सबको मुद्दा नजर आ रहा है। जी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। ये मैंने आपसे नहीं पूछा, लेकिन बांका का विकास हुआ क्या? हाँ, बांका का विकास हो रहा है, अभी विकास हो रहा है। बेहद दिलचस्प तस्वीर है, और ये तस्वीर जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं प्रेरित करती है कि लोग घरों से बड़ी संख्या में बाहर निकले, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, यहां पर तमाम पुलिसकर्मी वो ड्यूटी पर तैनात हैं, और जिस तरीके से लोगों का ये उत्साह है, जाहिर तौर पर उम्मीद की जा रही है कि वोटिंग परसेंटेज यहां पर जबरदस्त होगा, क्योंकि मुकाबला भी कांटे का है। वजह, पुतुल देवी इंडिपेंडेंट रूप में यहां पर चुनावी मैदान में है, जयप्रकाश यादव यहां पर पहले उन्होंने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार बताया यही जा रहा है कि मुकाबला तीनों ही प्रत्याशियों में बहुत जबरदस्त होने वाला है। बांका से कैमरामैन निरंजन के साथ शिव पूजन झा, इंडिया न्यूज के लिए। तो हमारे सहयोगी शिव पूजन झा की बांका से आप ये रिपोर्ट देख रहे थे, और बता रहे थे राजीव कि जिस तरह से लोग आ रहे हैं वोट डालने के लिए, वोट प्रतिशत अच्छा खासा जाएगा बांका से। और ना सिर्फ शिव पूजन झा, इनके अलावा बहुत सारे हमारे रिपोर्टर्स हैं जो देश के अलग अलग राज्यों, 12 राज्यों की 95 सीटों पर जब वोट डाले जा रहे हैं वहां पर मौजूद, और हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं सबसे पहले। छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे।